नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार गोंड, हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पीडीएफ फेलो हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा चलाए गए 75 साल 75 श्रृंखला में मुझे आमंत्रित करने के लिए अकादमी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज जिस विषय पर मैं अपना व्याख्यान केंद्रित रखूंगा, वह विषय है आदिवासी समाज और हिंदी साहित्य। आदिवासी समाज का इतिहास बहुत ही लंबा, विस्तृत और वर्षों लाखों वर्ष पुराना है। आदिवासी शब्द भारतीय संदर्भ में विशिष्ट शब्द को परिभाषित करने वाला शब्द है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में आदिवासी नाम शब्द उपलब्ध है। आदिवासी को जनजात, वन्यजात, वनवासी, आदिम जात, गिरिराज, प्राचीन निवासी आदि शब्दों से परिभाषित किया जाता है। आदिवासी समाज की व्याख्या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आदिवासी समुदाय एक ऐसे समुदाय का नाम है जिसकी बोली भाषा सब एक समान हो, दूर जंगलों में निवास करते हुए, आदिकाल से निवास करते हुए अपनी जात के अंदर ही वैवाहिक परंपराओं का निवास करता हो, ऐसा समुदाय आदिवासी समुदाय कहलाता है। भारत के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनकी बोली भाषा लिपि आदि एक समुदाय से दूसरे समुदाय से अलग है और यह हमेशा अपने ही समुदाय में रहते हैं और दूसरे किसी भी समुदाय की दखलंदाजी इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन आधुनिकता में प्रवेश करते हैं आदिवासी समुदाय के लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर ये भावना अब नहीं है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति के तौर पर निर्दिष्ट किया है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासी की कुल तादाद 8,20,00,000 के आसपास थी। आदिवासी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानवीय इतिहास है। आज का व्यक्ति आदिवासी समाज और उसके सौंदर्य शास्त्र से बिल्कुल भिन्न है और आदिवासी को लोग बर्बर और जंगली के अलावा और कुछ भी नहीं समझते हैं। हालांकि अब जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है जिस तरह से, अब वो समझ रहे हैं कि आदिवासी भी एक ऐसा समुदाय है जो अन्य मानवों की तरह दिखाई देता है, दिखता है और उसी तरह दिखाई भी पड़ते हैं। क्योंकि जब भी असुर समाज का जिक्र होता है या फिर अन्य समाज का जिक्र होता है आदिवासियों में, जैसे पैसाचिक हैं और असुर समाज के लोग हैं, इस तरह से उनके प्रति लोगों की गलत धारणाओं बन जाती है कि वो तो राक्षस की तरह दिखते होंगे, उनके बड़े बड़े नाखून होंगे, उनके पैर के नाखून बड़े बड़े होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वह भी एक साधारण मानव की तरह हैं, दिखते हैं उस तरह से ही है। आज़ादी के 70 साल बाद भी विश्व के विकसित देशों में अपना स्थान बनाने में भारत देश आज अग्रणी स्थान पर है। लेकिन आदिवासियों के जो विकास की संभावनाएं हैं
हालांकि वो आज और भी बढ़ रही हैं। सरकार जो वर्तमान सरकार है वो बहुत कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है ताकि एक समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो पिछड़ापन लिए हुए है उसे आगे ले जाया जा सके। आदिवासी के समुदायों की संख्या 600 से अधिक है और उनकी 700 से अधिक उप बोलियाँ हैं। उप बोलियों में बहुत सी ऐसी बोलियाँ हैं जो अब शायद खत्म होने के कगार पर हैं। आदिवासी का जीवन, उसकी अपनी संस्कृति, भाषा, जल, जंगल और जमीन पर आधारित है। वह जंगल को अपने पूर्वज मानते हैं। जंगल के पेड़ पौधे जो हैं वो उनके बच्चों के समान हैं। उनका टोटम वादी समूह है, उनकी जो बंसावलियाँ हैं, उनके जो गोत्र हैं वो पेड़ पौधों पर आधारित है। जौ है, चना है, मटर है, इन सब पेड़ पौधों पर आधारित है। आदिवासी समाज को बहुत सारे विद्वानों ने अपने तरह से परिभाषित करने का कार्य किया है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान हैं, गिलिन एंड गिलिन हैं, और जैसे हराम मीणा हैं, महादेव टोप्पो हैं, रोज केरकट्टा हैं, रामदयाल मुंडा हैं, डॉक्टर रावण कंगाली हैं। जब हम इनकी परिभाषाओं को देखते हैं तो आदिवासी समाज और संस्कृति का जो दर्शन है वह स्वतः ही सबके सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं कि आदिवासी समाज है क्या और उसे क्या और उसे किस रूप में जाना जा सकता है, किस रूप में जान सकते हैं। आदिवासी समाज का साहित्य बहुत ही विपुल है। आदिवासी तथा गैर आदिवासी दोनों लेखकों के द्वारा आदिवासी से संबंधित, चाहे वह भाषा को लेकर के हो, चाहे लिपि को लेकर के हो, चाहे उनके सौंदर्य शास्त्र को लेकर के हो, चाहे उनके रहन सहन खान पान को लेकर के हो, इन सभी विषयों को लेकर के कहानी, उपन्यास, इन सब में उनके जीवन को, उनके जीवन दर्शन को सम्मिलित करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आदिवासी साहित्य अब अपने उस पायदान पर है जहाँ पर हिंदी के अन्य विधा, अन्य लेखकों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। अगर हम देखें तो 1899 में जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी मलयपुर अंचल के मल्ला आदिवासी पर आधारित पहला बसंत मालती नामक उपन्यास लिखा था, जिसका जिक्र हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कम ही मिलता है। और आज की बात हम करें तो आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लेखकों के द्वारा आदिवासी समाज पर लिखे गए, सिर्फ मैं उपन्यास की बात करूं अगर तो कम से कम 500 से अधिक उपन्यास लिखे जा चुके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने अथखिला फूल, ब्रजनंदन सहाय ने अरणवाला, मंदन द्विवेदी ने रामलाल उपन्यास, रामचीत सिंह बन विहंगनी, वृंदालाल वर्मा कचनार, बालसोर रेड्डी धरती मेरी माँ, सानिका नदी और सीपियाँ,
बलवंत सिंह का राका की मंजिल, हिमांशु जोशी का महासागर, राकेश वत्स का जंगल के आसपास, संजीव का सावधान नीचे आग है, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का बनतरी, शिव प्रसाद सिंह का सैलूश, संजीव का धार, वीरेंद्र जैन का डूब, मणिमथकर का पिंजरे में पन्ना, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, रमणिका गुप्ता का मौसी, पीटर पाल एक्का का जंगल के गीत, सोहनलाल शर्मा का मीणा का घाटी, सुखदेव दुबे का मनुष्य मंथन, भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़। इस तरह से हम देखते हैं कि आदिवासी उपन्यासों में उनके जीवन दर्शन को लेखकों ने अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़, मैत्री पुष्पा का अलमा कबूतरी, सुखदेव दुबे का मनुष्य मंथन, राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं, मधुकर सिंह का बाजत अनहद ढोल, हराम मीणा का धूड़े तपे तीर, रणेन का ग्लोबल गांव के देवता, हबीब कैफी का गमना, और इसी तरह से तमाम आदिवासी उपन्यास लिखे गए जिनमें आदिवासी समाज की संस्कृति को बहुत ही सुंदर ढंग से देखा जा सकता है। आदिवासी साहित्य में अगर हम बात करें तो प्रथम आदिवासी कहानी लेखिका एली शक्का, जो आधुनिक काल की लेखिका थी, उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। 8 सितंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था और 5 जुलाई 1978 को उनकी मृत्यु। एलिस एक्का की कहानियां अपने आप में इतनी सूक्ष्मता लिए हुए है कि जो भी व्यक्ति उनकी कहानियों को पढ़ता है वह आदिवासी संस्कृति से आत्मसात कर लेता है। आदिवासी कवित्री सुशीला सामत, उनका प्रलाप काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, वह एक ऐसी कवित्री थी जिन्होंने आदिवासी की संस्कृति, उनकी समस्याओं और भाषाई संवेदना को उन्होंने उसमें प्रस्तुत करने का कार्य किया। इतना ही नहीं, अब आदिवासी समाज के लोग हिंदी साहित्य में अपना योगदान देने लगे हैं। एक जो 1899 से एक यात्रा जो थी, वो यात्रा इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उस यात्रा में जितने भी संघर्ष से जूझते गए आदिवासी समाज के लोग, अब उतना ही उनका जो है चिंतन मनन विकसित हुआ, उनके चिंतन में उनकी समस्याओं को देखा जा सकता है। उपन्यास लेखिका महुआ माझी ने मरण गोड़ा नीलकंठ हुआ में विकरण प्रदूषण व विस्थापन से जूझते आदिवासियों की कहानियों को उन्होंने उसमें पिरोया है।
इसी तरह से मंगल सिंह मुंडा का छैला संधु उपन्यास, जोराम यालाम का जंगली फूल, ये ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत कुछ सोचने के लिए व्यक्ति को मजबूर करते हैं, विवश करते हैं। कई सारे आदिवासी कहानी प्रकाशित हुई हैं, जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार मीणा ने कहानी संग्रह निकाला जिसका नाम आदिवासी कहानी विविध संदर्भ है। उनमें कई ऐसे आदिवासी कहानीकार, गैर आदिवासी कहानीकार जिन्होंने आदिवासियों पर बहुत कुछ लिखा, आप देखेंगे ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। अब आदिवासी समाज के लोग अपनी समस्याओं को कलमबद्ध करना शुरू कर दिए। इसमें इस संदर्भ में एलिस एक्का की कहानियाँ जो वंदना टेटे द्वारा संपादित की गई मील का पत्थर साबित हुई। उनकी कहानियाँ जैसे वनकन्या, दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं, सलगी, जुगनू और अंबा गाछ, कोयल की लाडड़ी सुमरी, 15 अगस्त, बिलचो और रामू, धरती लहलाएगी, झालो नाचेगी गाएगी, और उनकी कुछ अनुदित रचनाएं जैसे गुलामी, तूफान, कवि, मेरा जन्म दिवस, अनंत अग्नि और समय की चिताभस्म, ऐसी कहानियां जो आदिवासी के जल जंगल और जमीन के प्रेम को परिभाषित करती है। केदार प्रसाद मीणा ने आदिवासी कथा जगत नाम से एक आदिवासी समाज पर केंद्रित कहानियों का संकलन तैयार किया था जो अनुज्ञा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। उसमें आप देखेंगे कि कई ऐसी कहानियां हैं जो आदिवासी समाज के इतिहास, साहित्य और संस्कृति के दस्तावेज को वर्णित करती, जैसे पीटर पाल एक्का की कहानी है राजकुमारों के देश में, रामदयाल मुंडा की कहानी है खरगोशों का कष्ट, प्रभात का है अकाल, केदार प्रसाद मीणा का सामंतों के शहर की राजकुमारी, तरुण भटनागर का चांद चाहता था कि धरती रुक जाए, पुन्नी सिंह का बेड़नी, वाल्टर भेंगरा तरुण का अपना अपना युद्ध, तेमसुला आओ का बर्तनवाली, राकेश कुमार सिंह का जोड़ा हारिल की रूप कथा, प्रीति मुर्मू की कहानी सच्चा सुख, रामदास बोरो का बांच, फ्रांसिस्का कुजूर का गोदना, कृष्णचंद टूडू का आधा आंचल, रविकांत मिश्रा का कटीली बाढ़, बंधु भगत का डेले दादा, शेखर मल्लिक का रे अबुआ बुरू, ऐसी कई सारी कहानियां हैं। ऐसी कहानी संग्रह जो है वंदना टेटे द्वारा संपादित की गई जिस जो लोकप्रिय आदिवासी कहानियां के नाम से जानी गई। यह कहानी संग्रह प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई और यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये कहानियाँ हुई। इसमें यह आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत ही जमीनी स्तर पर हैं, जैसे एलिस एक्का की कहानी है दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं,
वाल्टर भेंगरा का है संगी, मंगल सिंह मुंडा का है धोखा, प्यारा केरकट्टा का है बेरथा का ब्याह, कृष्णचंद टूडू का है एक बित्ता जमीन, नारायण का है प्रवाचक का जन्म, ये से दर्जे थोंगसी का आईना, लक्ष्मण गायकवाड़ का बंधु क्या, रोज केरकट्टा का फिक्स डिपॉजिट, पीटर पाल एक्का का विचार वर्ष, फ्रांसिस का कुजूर का मूशल, ज्योति लकड़ा का कोराइन डूबा, और सिकरा दास तिरकी का चिड़िया लटकाना, रूपलाल बेदिया का है अमावस की रात में भग जोगनी, कृष्ण मोहन सिंह मुंडा का लील मनी की ड्यूटी, राजेंद्र मुंडा का मोहरी, जनार्दन गोंड का भंडुआ, सुंदर मनोज हेम्ब्रम का रात वाली, बंगाल की आखिरी बस, तेमसुला आओ का सोआबा, गंगा साहिमीड़ा का पूष की रात, शिशिर टूडू का दाग, ऐसी तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आदिवासी द्वारा लिखी गई और गैर आदिवासी द्वारा भी लिखी गई। अब आदिवासी समाज के लोग लेखन के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुके हैं, वह रात दिन अपने आप को, अपने जीवन संस्कृति को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। भूलन कांदा जो संजीव बख्शी द्वारा लिखा गया, आमचो बस्तर राजीव रंजन द्वारा लिखा गया, ये उपन्यास काफ़ी कुछ आदिवासी समस्याओं को उजागर करती हैं। बाजत अनहा ढोल मधुकर सिंह की एक ऐसी कृति है जो बहुत कुछ व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, जो 2019 में प्रकाशित हुई राजपाल एंड सन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह उपन्यास आदिवासी के सौंदर्य शास्त्र को वर्णित करता है। राजीव रंजन का ढोलकल, आमचू बस्तर, ऐसे उपन्यास जो बस्तर के जनजातियों के इतिहास, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही बेहतरीन ढंग से उजागर करने का कार्य करते हैं। सुशीला सामत 1935 से ही वह कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम नहीं आ सका। वंदना टेटे द्वारा उनकी कविताओं को संपादित किया गया, तब जाकर के सुशीला सामत की कविताएं लोगों के सम्मुख आ सकी। और अभी तक आदिवासी से संबंधित जो समीक्षात्मक कह लें या आलोचनात्मक कर लें या जीवन दर्शन पर आधारित कर लें, ऐसी किताबों का अभी भी अभाव रहा है। हरराम मीणा ने आदिवासी दर्शन और समाज नाम से एक किताब लिखा जिसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर ने प्रकाशित किया। यह किताब आदिवासी समाज के इतिहास, उनका दर्शन, मिथक, गणचिन्ह, उनके मूल सिद्धांत, ज्ञान परंपरा, आदिवासी दृष्टि सृष्ट, आदिवासी गणचिन्ह, आदिवासी किस्सा गोई और विशिष्ट प्रथा परंपरा जैसे घोटूल, डैन प्रथा, भगोरिया, मौताड़ा, सेंदरा, जनी शिकार, नववर्ष, वसंत ऋतु, होली का पर्व, आदिम गणतंत्र, आदिम साम्यवाद, ग्राम राज्य की अवधारणा,
पत्थलगड़ी आंदोलन, सहभागी लोकतंत्र, आदिवासी अलगाव का इतिहास, आदिवासी प्रतिरोध की ऐतिहासिक विभूतियाँ जैसे टंटिया मामा का विद्रोह, जोरिया भगत, क्रांतिकारी संत गोविंद गुरु, मीणा मोर्चा, वीर योद्धा पजसी, राजा वीर राघोजी और आदिवासी सौंदर्य बोध, सत्यम शिवम सुंदरम, श्रम और सौंदर्य के संबंध, आदिवासी समाज में स्त्री का क्या कार्य है, उसका क्या सम्मान है, क्या महत्व है, आदिवासी समाज और निजी संपत्ति के बारे में, आदिवासी का वर्तमान समय में कितनी चुनौतियां हैं, मीडिया में उनकी कितनी भागीदारी है, मीडिया में किस तरह से इनको देखा जाता है, इन सभी को लेकर के, और इतना ही नहीं बल्कि फिल्मों में आदिवासी का क्या योगदान है, उनको किस तरह से देखा गया है, और विलुप्त कौन कौन सी जनजातियाँ हो रही हैं इस समय, जैसे रेड इंडियंस किस तरह से रही हैं, ब्राज़ीली कबीला का आखिरी आदमी, उत्तरी साइबेरिया, अफ्रीका मंगोलिया, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और अंडमान में जो आदिम प्रजातियाँ हैं वो कैसे विलुप्त हो रही हैं, किस प्रकार से उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, इस वैश्वीकरण समाज में किस तरह से आदिवासी समाज नई आर्थिक नीतियों को समझ सकता है, विस्थापन के से बच सकता है, और आदिवासी विकास के कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं या महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए, पूछे गए, जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने पूछा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का दिया, भारत की वन नीति, भू अर्जन कानून, पंचायत, 1996 का PESA, संविधान की 5वीं व 6वीं अनुसूची, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, और इसके साथ आदिवासी समाज का राजनैतिक नेतृत्व कितना है, पहले से क्या रहा है, उनका राजनैतिक नेतृत्व क्या रहा है, स्वतंत्रता के बाद आदिवासी का राजनीति में कितना नेतृत्व रहा है, उतना उनकी वैचारिक चेतना कितनी जगी है, और उनका प्रतिरोध वर्तमान समय में प्रतिरोध किस प्रकार से उनका प्रतिरोध बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, इन सब चीज़ों का विस्तृत विवेचन हराम मीणा जी की इस किताब में मिलता है। यह पुस्तक अपने आप में आदिवासी समाज के दर्शन, साहित्य और इतिहास की महागाथा। कहानी और उपन्यास में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बदलाव आने शुरू हो गए जो आदिवासी समाज को और उसके अधिकारों को अब विश्व स्तर पर उन बदलावों में देखा जा सकता है। श्री प्रकाश मिश्र का उपन्यास था जहाँ बांस फूलते हैं, संजीव का जंगल जहाँ से शुरू होता है, धार, पांव तले की दूर, मधु कांकरिया का खुले गगन के लाल सितारे, भगवान दास मोरवाल का रेत, मांसु जोशी का सुराज, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का वनतरी, शिव प्रसाद सिंह का सैलूस, श्रवण कुमार गोस्वामी का हस्तक्षेप, विनोद कुमार का समर शेष है, ऐसे राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं, ऐसे बहुत सारे उपन्यास जिन पर फिल्म निर्देशक फिल्म भी बना रहे हैं, आदिवासी समाज की समस्याओं को उठा रहे हैं, और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसके लिए भी वो उनके साथ खड़े हैं, और फिल्मों में भी उनकी समस्याओं को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब हिंदी साहित्य में आदिवासी समाज का दखल विस्तृत रूप में हो
हो गया है। वह अपने प्रत्येक चीज को, प्रत्येक समस्याओं को, हर दिन की रोजमर्रा के संघर्ष को वह कलमबद्ध करने लगे हैं। समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं, लोग समझना शुरू कर दिए हैं, उनकी जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, उन सब को वह अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में, अपनी कविताओं में वह उसे उस तरह से ही पिरो रहे हैं, पिरोने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे हैं महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जो लोगों के जीवन में प्रभाव डालने का कार्य किया है। सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग आदिवासी को जनजात, ट्राइबल, वनजात, वनवासी, आदिम जात के रूप में देखने लगे हैं और उन्हें अपने अपने द्वारा उसे परिभाषित कर रहे हैं। जैसे गोविंद गोरे, डी एन मजूमदार आदि ऐसे लोग, विद्वान लोग रहे हैं जिन्होंने आदिवासी को परिभाषित करने का कार्य किया है। उन परिभाषाओं में उन्हें उनके जीवन को, उनके रहन सहन को देखते हुए उन्हें परिभाषित किया है। अब आदिवासी लोग का भौगोलिक और ऐतिहासिक जो दस्तावेज है उसके अनुसार जब शोध कार्य शुरू हो रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत कुछ सच, और ऐसा सच जो समाज उससे अभी तक अपरिचित है, उसको लाने का कार्य आज के लेखकों द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो या काव्य हो। अब लोग ये जानने लगे हैं कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन और लंबा रहा है और हमारी तरह ही वह अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने में और विमर्श के केंद्र में अपने को साबित करने के लिए अपने लेखन में अपने गांव, अपनी जमीन, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज आदि सभी को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्होंने कई आंदोलन हुए, उस आंदोलन का प्रभाव भी इनके साहित्य में मिलता है। जैसे जनजाति आंदोलन, एक खासी जनजाति का आंदोलन हुआ, पलामू विद्रोह हुआ, खानदेश का आंदोलन हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, मानगढ़ आंदोलन हुआ, रानी गाइदिल्लू का आंदोलन था, और ऐसे तमाम आंदोलन जो आदिवासी समाज की ऐतिहासिकता को और स्वतंत्रता में उसकी भागीदारी को सिद्ध करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत का के आठों राज्य, बिहार,
बंगाल के सटे हुए क्षेत्र, इधर सिक्किम का क्षेत्र, ये सब जो हैं ये क्षेत्र, इधर हैदराबाद का आप देख लें इधर का क्षेत्र, ये सब आदिवासी क्षेत्र जो हैं वो अब विकास की मुख्य धारा में आने लगे हैं और वहाँ पर आदिवासी समाज का जो लेखन है वह बहुत ही मजबूत हो गया है, जिसमें आप उनके पारिवारिक संस्था को, उनके लेखन में पारिवारिक संस्था को, उनकी विशेषता को और उनकी बोली भाषा और उनके जीवन दृष्टि को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं। आदिवासी समाज के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं कि वह अपना कार्य या अपना लेखन कैसे, कहां से प्रकाशित करे, क्या करे, किस तरह से, इसकी भी चुनौतियां हैं, काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वह अपने आप को विकास के पथ पर अग्रसर किए हुए हैं। अब जैसे पहाड़िया विद्रोह, मनसा पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी का विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, बुंडू विद्रोह, दुखन मानकी का तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, सिंहराय कोल विद्रोह, सिंधु कानू, भैरव मुर्मू का संथाल हुल विद्रोह, ये ऐसे विद्रोह रहे हैं जो आदिवासी समाज अपने हक और हकूकत के लिए किए। उन्हें यह लगा कि हमें हमारा आत्मसम्मान नहीं मिल पा रहा है, उस आत्मसम्मान को, उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, और हम कुछ हैं, हमारा भी योगदान है, हम भी, हमको भी भारत संविधान ने अधिकार दिए हैं, इन सब को बताने के लिए उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया ताकि उनके बात को लोग जान सकें, समझ सकें और उनकी समस्याओं को सुन सकें। तेजिंदर का काला पादरी और मणिमधुकर का पिजरे में पन्ना, पुन्नी सिंह का सहराना, पीटर पाल एक्का का जंगल के गीत, ऐसी कृतियां जो आदिवासी समाज की एक नई जमीन तैयार करती है। हम देखेंगे कि आदिवासी समाज, यह अक्सर ये दिखाई देता है कि आदिवासी समाज का लेखन अन्य भाषाओं में भी रहा है, जैसे आप देखेंगे मराठी भाषा में, वहाँ भी उनकी कृतियाँ हैं। बाबा भांड मराठी लेखक थे, टंट्या भील नमक
उन्होंने पुस्तक लिखा और आप देखिए अंग्रेजी भाषा में आदिवासियों की बहुत सारी कृतियाँ लिखी गई, उड़िया भाषा में, बांग्ला भाषा में, तेलुगु भाषा में बहुत सारी ऐसी कृतियाँ लिखी गई। जैसे अंग्रेजी में लिखा गया दी काफर डर्म, अरुण जोशी ने लिखा दी स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, गीता मेहता ने लिखा आ रिवर सूत्रा, कमला मार्कंडे जी ने इतना बेहतरीन उपन्यास लिखा दी काफर डर्म। तो अंग्रेजी में भी आदिवासी समाज का लेखन कार्य हो रहा है और जो आदिवासी समाज अब पढ़ लिख गए हैं वो भी अंग्रेजी में अपनी कृतियों को निकालने लगे हैं। उड़िया भाषा में बहुत सारी कृतियाँ निकली, जैसे गोपीनाथ महंती, प्रतिभा राय, इन लोगों ने जैसे माटी मटाल, परजा ये उपन्यास लिखे। अब उड़िया के बाद बांग्ला भाषा में भी लिखा गया, जैसे महाश्वेता देवी का जंगल के दावेदार, अग्निगर्भ, चोटी मुंडा और उसका तीर, भूख, 1084 की माँ आदि ऐसे कई उपन्यास जो आदिवासी समाज के साहित्य, संस्कृति, जल और जंगल जमीन की समस्या को उजागर करते हैं। तेलुगु भाषा में कई उपन्यास लिखे गए, लंबा डोल रामदास, लंबाड़ों का रामदास, कोमुरम भीम, अटवी, ऐसे कई उपन्यास थे। जैसे सरहद संघम, रागो उपन्यास जो साधना द्वारा लिखा गया, चिन्नप भारती द्वारा लिखा गया और गंगाधर राव के द्वारा लिखा गया, साहू अल्लम राजैया के द्वारा लिखा गया, केशव रेड्डी के द्वारा लिखा, ऐसे ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जो आदिवासी साहित्य और संस्कृति को उजागर करने का कार्य किया। हम ये देखते हैं कि आदिवासी समाज के साहित्य में स्त्री पुरुष संबंध, शिक्षा की समस्या, आर्थिक समस्या, चिकित्सीय समस्या, धार्मिक समस्या, पीढ़ियों का जो द्वंद है, ये सब बहुल रूप में देखा जा सकता है उनके साहित्य में। खान पान, उनकी वर्ण प्रियता, वृक्ष जंतु, आमोद प्रमोद के साधन, पर्वोत्सव, नृत्य संदेश, वैचारिक विमर्श, लोक विश्वास, लोक देवता, इन सब का जिक्र बहुत ही विस्तृत रूप में दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में आदिवासी समाज का जो दर्शन है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह देखते हैं कि आदिवासी साहित्य में सबसे मजबूत कड़ी जो है वह आदिवासी काव्य है। आदिवासी काव्य में आदिवासी जनजीवन, समाजशास्त्री सौंदर्य, युगबोध, समसामायिक युगबोध और उनकी संस्कृति, उनके अधिकार और उनकी यातना और पीड़ा,
को उसमें सूक्ष्म दृष्टि से हम देख सकते हैं। आदिवासी रचनाकारों में वंदना टेटे, रोज केरकट्टा, महादेव टोप्पो, हराम मीणा, अनुज लुगुन, सुषमा असुर, जसिंता केरकट्टा, राही डूमर चीर, पूनम वासम, निर्मला पुतुल, और भी बहुत सारे कवि हैं, रवि कुमार गोंड, बहुत सारे ऐसे कवि हैं कि जिनकी कविताएं आदिवासी समाज में बहुत पैनी नजर डालती हैं। बिटिया मुर्मू के लिए निर्मला पुतुल कविताएं लिखती हैं। अनुज लुगुन मैं गीत गाना चाहता हूं कविता लिखते हैं। संथाल परगना निर्मला पुतुल की कविता है। जसिंता केरकट्टा लिखती हैं कविता उससे मेरा संबंध क्या था। अनुज लुगुन लिखते हैं अघोषित उलगुलान। पूनम वासम की मछलियां गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। जितेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं चुप्पी का समाज शास्त्र। उलगुलान की औरतें अनुज लुगुन की कविता। जसिंता केरकट्टा की कविता है मेरे हाथों के हथियार। ये सब कविताएं, इवन की पार्वती तिरकी लिखती हैं नगदौना चिड़िया एक। ये सभी कविताएं अपने आप में बहुत ही पैनी दृष्टि से आदिवासी जीवन के साथ स्वयं का संवाद करती नजर आती है। आप देखेंगे कि महादेव टोप्पो जैसे रचनाकार उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है। उनकी कविताएं अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आती हैं। जसिंता केरकट्टा की एक कविता है नदी पहाड़ और बाजार। जिस तरह से उन्होंने नदी पहाड़ और बाजार का सामंजस्य स्थापित किया है ऐसा लगता ही नहीं है कि आदिवासी काव्य साहित्य अन्य साहित्य से या हिंदी साहित्य से या हिंदी लेखकों से कम है। पूनम वासम लिखती हैं जंगल है हमारी पाठशाला। वो जंगल के अंदर प्रकृति शिक्षा की पाठशाला को उजागर करती नजर आती। अनुज लुगुन की कविता है लकड़हारे की पीठ। निर्मला पुतुल की आदिवासी स्त्रियां। ये सभी कविताएं आदिवासी समाज की स्त्रियों और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि महादेव टोप्पो का काव्य संग्रह है जंगल पहाड़ की पाठ। यह काव्य संग्रह पहाड़ की महत्ता
जंगल की महत्ता, जंगल के रहने के फायदे, आदिवासी जंगलों में जो जड़ी बूटियां हैं उनकी कीमत क्या है, आदिवासी समाज अशिक्षित ना होकर के कितना शिक्षित है आदि, और उनके संघर्ष, इन सब का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण इस काव्य संग्रह में देखा जा सकता है। वंदना टेटे ने किताब संपादित की थी लोकप्रिय आदिवासी कविताएं, इसमें भी आप देखेंगे कि आदिवासी साहित्य कितना मजबूत है और कितना ताकतवर है। जसिंता केरकट्टा की कविताएं जो काव्य संग्रह है अंगोर, उसमें आप देखेंगे आदिवासी समाज का सौंदर्य शास्त्र उसमें एक नई दृष्टि से गढ़ा गया है। अनुज लुगुन की कविता बाघ और सुगना मुंडी की बेटी बहुत ही भावनात्मक और प्रभावमयी। डॉक्टर रवि कुमार गौड़ की काव्य संग्रह आदिवासी संघर्ष यात्रा, आदिवासी स्वर, और उनकी एक लंबी कविता आदिवासी अभिव्यक्ति जो आदिवासी समाज के अधिकारों की बात करती है, उनके साथ खड़े होने की बात करती है और उनकी समस्याओं को उजागर करती है। हीरा मीणा की कविताएं इसके साथ ही साथ जैसे गंगा सहाय मीणा, प्रोफेसर हेमराज मीणा, और स्नेहलता नेगी, इसके साथ ही साथ सावित्री बड़ाई, सविता बड़ाई, ऐसे बहुत सारे रचनाकार हैं। और ऐसे रचनाकार जो आदिवासी साहित्य को, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्त हो, आदि सब का अध्ययन करते हुए उसी एक नया आयाम दे रहे हैं और उसे नई दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते हुए समाज के समक्ष उसको ला रहे हैं और अपनी बात को बड़े ही सुसंयोजित व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा कहने का निष्कर्ष यह है कि आदिवासी समाज जो अभी तक मुख्य धारा में या मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया था, वो आज सफलता के शिखर पर जा पहुंचा है। आदिवासी समाज को यह बताने की अब जरूरत नहीं है कि वह जंगली है, पहाड़ी है, उसका अस्तित्व नहीं है, वह शिक्षित है, अनपढ़ है। इन सब बातों का आदिवासी समाज और उनके लेखकों के समक्ष कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि आदिवासी समाज इन सब बातों से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ गया है और वह लगातार अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए और इसके साथ ही साथ चाहे वो खेल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो राजनीतिक पद ही क्यों ना हो, उन सब में अपनी समान भागीदारी निभाते हुए भारत देश का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। भारत की तिरंगे को सलाम कर रहा है और भारत के तिरंगे का नाम रोशन कर रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर पदासीन हुई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है, आदिवासी समुदाय के लिए गर्व की बात है और पूरे भारत के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे समाज से वह निकली जहाँ पे आदिवासी समाज बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज उन्होंने यह साबित किया है कि व्यक्ति अगर संघर्षशील हो, लगनशील हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसके अंदर, तो वह राष्ट्रपति पद को भी प्राप्त कर सकता है, सुशोभित कर सकता है। आज माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने यह बात सिद्ध कर दिया है और वह आज न जाने कितने ही युवाओं के लिए, बहनों और भाइयों के लिए, देश के नागरिकों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बनी है और उनसे बहुत कुछ हम सभी को सीखने को मिलेगा, आदिवासी समाज को सीखने को मिलेगा, आदिवासी साहित्य को सीखने को मिलेगा, आदिवासी में संस्कार को जो जगह मिलनी चाहिए संस्कार का उसको बल मिलेगा और एक नए साहस के साथ आदिवासी समाज, आदिवासी समाज का लेखक, आदिवासी साहित्य आगे बढ़ेगा। और वह भारत देश का नाम रोशन करेगा पूरे विश्व में और सरकार की नीतियों के साथ वह हमेशा खड़े रहेगा और सरकार के विकास में वह अपनी भागीदारी को निभाएगा, भारत देश को विकास के पथ पर ले जाएगा। आजाद आदिवासी समाज इस काबिल बन रहा है कि वह पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सके। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि मेरा जो व्याख्यान है जो 75 साल 75 श्रृंखला के अंतर्गत जो व्याख्यान ये माला है, इस व्याख्यान से शोधार्थी विद्यार्थी और लेखकों को कुछ नया
सुनने जानने को मिलेगा। मैं आप सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके प्रति साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से यह श्रृंखला अबाध रूप से आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ जोहार, जय हिंद, जय भारत।